अरे सर हम ये भर्ती पूरी नहीं हुई, सोशल मीडिया पर दिन भर चलता है, हमको व्हाट्सएप आते हैं नई भर्ती कब निकालेंगे। अरे भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। ऐतिहासिक काम हुआ है, कोरोना काल में 68-69 हजार लोगों को नौकरी मिली है, और ये भी नहीं कि केवल नौकरी मिली है, वेतन मिलना शुरू हो गया। इसलिए आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए, इस तरह से दबाव बनाने वाली ये प्रक्रिया, रोज धरना, रोज प्रदर्शन, आए दिन हमारे आवास पर जा करके घेराव कर लेना, ये ठीक नहीं है। तो सभी आकाश गंगा 1.0 के सभी साथी, आज कुछ वार्तालाप करनी थी इसलिए हम आ गए हैं वापस। सीटेट का रिजल्ट आउट हुआ है तो इसी संबंध में हमने सोचा था कि कुछ बात करें, आप लोगों से मुलाकात करें। सभी लोग पास हो गए होंगे तो सभी को एक रिक्वेस्ट है, अपने जो मार्क्स हैं कमेंट करके बताएं कितने मार्क्स आए हैं, कैसे आपके रहा है सीट, जो भी आंसर की में आया उतना ही रहता है, ज़्यादा कुछ कम नहीं होता, जितना फिक्स ही रहता है। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मुद्दा हमारा है बेरोजगारी का मुद्दा। मैं सीटेट एक बार दे चुका हूँ, दोबारा दे चुका हूँ, और क्या मुझे सीटेट बार बार देना होगा? शिक्षा मंत्री जी के बयान से मुझे लगता है कि भर्ती की कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही है। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने बेसिक में 1,20,000 भर्ती करवा दी है, नई भर्ती करवाने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। तो मैं बता दूं कि 65% बजट केंद्र सरकार वहन करती है, जो भी शिक्षा पर खर्च होता है 35% बजट यूपी सरकार को देना पड़ता है। तो आपकी क्या इतनी भी औकात नहीं है कि 35% बजट दे सकें? और जो वेतन आपका क्या कह रहे हैं, जो 1,20,000 भर्ती हुई है वो पुराने शिक्षा मित्र को हटा के हुई है, तो माननीय आपको बता दूं कि आपने एक भी रुपया अलग से नहीं दिया है। जो 40,000 रुपए वो शिक्षा मित्र पा रहे थे वही वेतन आपने ने दिए, और कितने 2 साल रोक कर 70,000 भर्ती करवाई है, तो जो 2 साल की वेतन है आप उनकी गबन कर गए हैं। तो आप ये ना कहें कि नई शिक्षक भर्ती के लिए हमारे पास बजट नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। आप कह रहे हैं कि अभी भर्ती करवाई है, अभी फिर से भर्ती करवानी पड़ेगी, आप लोग मेरे घर का घेराव कर रहे हैं। तो हाँ घेराव कर रहे हैं, आपके घर का घेराव कर रहे हैं। आपने 69,000 लोगों को जो भर्ती दे दी है, मैं शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाया, मैं 2017 का छात्र हूँ, तो मैं क्या DL.ED करना मेरा बेकार हो जाएगा? 5 साल में बेरोजगार बैठा रहूंगा? 2016 की TGT जो 2016 में वैकेंसी आती है, 2021 में उसका रिजल्ट आता है, 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, वो आप हमें इस भर्ती में फंसा हुए हैं। वो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यूपी में अच्छे स्कूल होंगे और हम बच्चों को शिक्षित करेंगे, हर बच्चे स्कूल जाए, शिक्षा का क्या करेंगे हम? मैंने तो शिक्षा ले ली, 10 पढ़ लिया, 12 पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर ली, DL.ED कर लो, BTC कर लो, भैया बेरोजगार थोड़ी ना मैं शिक्षा का अचार डालूंगा क्या? मुझे पैसे कमाने हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? खाने के लिए कुछ पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? घर चलाने के लिए घर वालों ने कह दिया कि सरकारी नौकरी की तैयारी करो। हम आ गए, यूपी सरकार पर भरोसा था, भर्ती आए नहीं भैया, लगे मार्ग पर। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन करा और लग गया BTC करने में, 21 हो गई, 4 साल हो गए मुझे बेरोजगार हूँ। मैं बेरोजगार अपनी वजह से नहीं हूँ कि मैं योग्य नहीं हूँ, मेरी योग्यता का मापदंड आप नहीं देख सकते। आप भर्ती करवाइए, मेरी योग्यता का मापदंड देखिए। आपने पहले से कह दिया कि आप भर्ती में नहीं है, मतलब भर्ती आई नहीं रही है, मेरी योग्यता मापने के लिए बैठे हैं। खुद की योग्यता पर विश्वास कीजिए माननीय शिक्षा मंत्री जी को, पेपर दिलवा के देख लीजिए एक बार, कितना उन्हें शिक्षा का ज्ञान है। वहाँ बंगले पर बैठ के प्रशासन नहीं किया जाता है, जनता से बात करी जाती है, उनकी समस्याएं। अगर हर साल भर्ती नहीं हो सकती तो हर साल DL.ED का कोर्स क्यों करा देते हैं आप? मेरा भविष्य अंधकार में चला गया, मैं कुछ कर सकता था, मैं शिक्षा का इस करूं क्या? शिक्षा मंत्री जी, जो मैंने शिक्षा ग्रहण की, अगर मैं उससे रोजगार नहीं पा रहा तो ये शिक्षा मेरी बेकार है। गाँव में आप गरीब बच्चों को स्कूल खोल के पढ़ा रहे हैं, जब बच्चे वो शिक्षा का क्या करेंगे? उनके पास कोई संसाधन नहीं, उनके पास केवल एक ही सहायता है कि वो पढ़कर सरकारी नौकरी करेंगे, और सरकारी नौकरी के लिए भर्ती नहीं आएंगी तो क्या करेंगे? वो शिक्षित करने की बात कर रहे हैं। आज देश में इतने बुरे हालात हैं, कोरोना काल के बाद महंगाई चरम सीमा पर है, और आपने ऐसा कह दिया बच्चों के लिए कि हमारे पास कोई भर्ती की वो गुंजाइश ही नहीं है, और आप प्रशासन चलाने के लिए ठीक है। तो चुनाव आ रहे हैं, हमारे पास भी वोट देने का कोई नहीं है, हम वोट क्यों दें आपको? वोट देने हमें, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र केवल ये होता है कि जाओ वोट डाल के आओ। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा,
जो योग्य होगा वही बनेगा भैया। योग्यता तो हमारी धरी की धरी वहां रह गई जहां भैया हम क्या नेता बनने के लिए जाओ भैया चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तुम तो भैया यहाँ से बाहर हो गए, अब क्या करे एक छात्र के पास केवल एक ही संसाधन है कि वो सरकारी नौकरी करेगा, और सरकारी नौकरी पर आपने लात मार के भगा दिया कि हमारे पास जगह ही नहीं, हमारे पास बजट ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना निकाली जाती है भर्ती, पर कैसे निकाली जाती है? हर साल BTC कराने के लिए आप बैठे हो कि BTC करवा देंगे, 2 साल इतने भी जो प्राइवेट बच्चे ने प्राइवेट स्कूलों से कर रहे, 2-2 लाख रुपए पैसे दे के BTC कर रहे, उसके बाद TET कर रहे, सुपर टेट कर रहे, इसी चक्यू में फंसे हुए हैं कि एक बार CTET दे लिया फिर से CTET देंगे, हम नंबर बढ़ाने पे लगे हुए, इस नंबर का करेंगे क्या हम माननीय? चुनाव के टाइम पर लाखों व्यवस्थाएं बन जाती हैं, पूरे देश में चुनाव भी करा लिए जाते हैं। बिहार में कोरोना काल में चुनाव हुए हैं माननीय, और चुनाव करा लिए जाते हैं, उनका रिजल्ट भी तुरंत आ जाता है, और आप यहाँ परीक्षा के सेंटर नहीं बना पा रहे हैं, परीक्षा के सेंटर बना नहीं पा रहे हैं, हमारे पास कोई भर्ती व्यवस्था ही नहीं है, भर्ती क्यों करवाएं? चुनाव के लिए व्यवस्था इसलिए है क्योंकि उससे हमें राजा बनना है। भर्ती करवाएंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, उनके पास पैसे नहीं आ जाएंगे, पैसे तो केवल हम लोगों के लिए हैं, नेता मंत्रियों के लिए हैं, आम आदमी के लिए तो पैसों का तो कुछ होता ही नहीं है। हम तो ऐसे ही बिना कुछ खाए पिए रहते हैं, बिना कुछ पहने रहते हैं, पैसों का करना क्या, ये सब तो मोह माया है। गाड़ियों में घूमना आपके लिए उचित है, हम लोग तो बाइक नहीं खरीद सकते हैं ना। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं CTET पास होने की खुशी मनाऊं कि भर्ती ना आने का अफसोस, परेशान है सारा दिमाग टेंशन में है कि करें क्या, जैसे तैसे घर में रह रहे के ठूंस ठूंस के भर दिए। आप कह रहे हैं मैंने 4-5 लाख भर्तियां करवा डाली UP में, इतनी भर्तियां किसी प्रदेश में नहीं हुई, तो मैं बता दूं 1,20,000 तो आपने वही शिक्षा मित्र उठा के वही कर दिए, कोई नई भर्ती नहीं करवाई, और दूसरी भर्ती करवा दी पुलिस की भैया, तो पुलिस की भर्ती में क्या करा, उन पुलिस वालों से आपने चालान कटवा कटवा के लाखों रुपए का फंड कर लिया, RTO वाले बैठे हैं भैया चालान काट रहे इतने पैसे कमा रहे, हाँ तो उनका भला हो गया भाई साहब, यहाँ हमारा क्या होगा? जो व्यक्ति नए युवा आ रहे हैं इनकी जो पूरी युवा है जो जवानी है, क्या वो सारी भर्ती परीक्षाओं में लगा दोगे? एक कमरे में 4x4 के कमरे में उनका पूरा जीवन बितवा दोगे? भैया उन्हें भी तो कुछ करने के लिए बाहर जिंदगी पड़ी है घूमने फिरने के लिए, कि भर्ती की तैयारी करते रहे। एक बच्चा जब भर्ती आती है तो भर्ती के पहले से तैयारी करने लगता है, और भर्ती के आते आते उसकी दम टूट जाती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, किताबें छाप के मैं क्या करूँगा, ये पढ़ते रहो ये किताबें क्या है, रट के क्या हो रहा है इनसे, क्या इतिहास है क्या भूगोल है, हम सब सीख रहे हैं कि इतिहास में ये हुआ था, अनुच्छेद ये इतना है, भूगोल में ये नदी यहाँ से निकलती है, आपने कुछ सीखा है ये सब? आप तो ऐसे ही नेता बन गए, आपके जो पुत्र होंगे अगली बार वो चुनाव में खड़े होंगे तो वो नेता बन जाएंगे। तो यहाँ चाचा विधायक नहीं है हमारे कि हम भी नेता बन जाए, हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है भर्ती, और भर्ती आपने रोक रखी है, तो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री बेवफा है, नंबर 1 पे चल रहा है ट्वीट ट्विटर पे, और आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बाल जो आपके झड़ गए हैं अब आपके सारे कपड़े उतर जाएंगे पूरे। यहाँ पागलों की तरह करंट अफेयर पढ़ते जा रहे हैं भैया, कि किसने कौन सी किताब लिखी, कौन सा राष्ट्रपति किस देश गया, कौन से खेल किस देश में हुए, क्या करेंगे हम इनका, कितने नाम याद हो गए, इनके सचिव वो बन गए, विदेश सचिव वो बन गए, वित्त सचिव ये बन गए, इन सचिवों के नाम रट के क्या करेंगे, केवल बुद्धि खराब हो रही है हमारी, कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई भर्ती का आश्वासन दिया जा रहा है ना कुछ। इस बार फिर से BEd के फिर से फार्म आ गए, कर लो भैया लाखों लोग BEd, 1500 रुपये फार्म फीस है, पैसे हम जो कोरोना काल में देश को घाटा हुआ है वो कहाँ से वसूलेंगे, छात्रों से वसूलेंगे, छात्र तो पागल हैं, रीट के फॉर्म भरवा के 75 करोड़ भर वसूल लिए, ऐसे यूपी में लाखों रुपए वसूल लो, भर्ती अर्ती का तो कुछ होना नहीं है, बैठे रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कब तक अपने आप को मोटिवेट रखें, कब तक मोटिवेट रखें, आवाज आ ही जाती है अंदर से कि कब तक करूंगा मैं, क्या कर रहा हूँ पागलों की तरह,
पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान नहीं ले रहे, लपेट रहे हैं, सारा भर दे जा रहे हैं दिमाग में, भर दे जा रहे हैं दिमाग में, दिमाग भरने से पगला गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें जिंदगी में। ये सब केवल इस वजह से कि भर्ती आएगी, 4 साल बर्बाद हो गए BSc करने के बाद, 4 साल बर्बाद हो गए कि शिक्षक बनेंगे, बच्चों को शिक्षित करेंगे। अब जब इस शिक्षा का इतना दिमाग खराब हो जाता है तो शिक्षक क्या अपना कार्य कर पाता है? फिर तो कहते हैं कि शिक्षक कर नहीं रहे भैया, कार्य नहीं कर रहे, स्कूल में जाके ऐसो आराम कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया इतनी कठिन कर दी है कि शिक्षक भी समझ गए भैया कि जो हमने करा है वही मैं, जितनी मैंने झेला है मैं उसका बदला लूंगा। मैं क्यों करूं काम, क्यों शिक्षा मंत्रालय, जो मेरा नहीं हुआ मैं उसका करूं, क्यों मैं शिक्षा के लिए काम करूं, किसने मेरी मदद की, मैं इतने सालों भटकता रहा, कोई भर्ती आई नहीं, किसी ने मेरी मदद की, मैं क्यों इन बच्चों को पढ़ाऊं, इनका भविष्य जाने क्या होना है, यहां से पढ़ के जा रहे, 8 पास कर लिया 10 पास कर लिया, मेरिट आ गई। आपने तो कह दिया कि यूपी में इतने परसेंट सफल रिजल्ट रहा, उस रिजल्ट का होना क्या है भैया? देश शिक्षित हो रहा है, कहां शिक्षित हो रहा है, घंटा शिक्षित हो रहा है। अपने शिक्षा मंत्रालय में जाके देखिए कितने आपके मंत्री शिक्षित हैं, जो शिक्षित हैं वो बेरोजगार हैं, सीधा सीधा ये है।